नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष गच, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ। आज हम जिस विषय में बात करने के लिए यहाँ पर हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को सरल हिंदी में बोन की कमजोरी या हड्डियों की कमजोरी भी बोला जाता है। ये किस तरीके से हम लोग को डायग्नोज करते हैं, हम लोग किस तरीके से इसको पकड़ते हैं, किस तरीके से इसका हम लोग आगे जाके इलाज करते हैं और किस तरीके से इसका बचाव कर सकते हैं, तो इसके हमें समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो पहले तो हम ऑस्टियोपोरोसिस की सरल भाषा में ये जानने की कोशिश करें कि इसकी डेफिनेशन या फिर ये आखिर है क्या। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों की स्ट्रेंथ या डेंसिटी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है। ये इसको जो हड्डियों की स्ट्रेंथ या डेंसिटी कम हुई है, इसका मूलतन सबसे बड़ा जो कारण है हमारे पास वो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस है। डेट मीन उसका कहने का मतलब ये है, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस उनको बोला जाता है जो खासकर उम्र के ऊंचे पड़ाव पे हमें जाने को देखने को मिलती है, जिसमें कोई दूसरे कारण नहीं होते, सिर्फ उम्र या फिर एक हार्मोन ईस्ट्रोजन कमी जो औरतों में पाया जाता है उसकी कमी के कारण होता है। अब हम ये बात देखने की कोशिश करेंगे, जब हम ऑस्टियोपोरोसिस को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं तो कितने मूल दर्शक तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है भी कि नहीं है। तो इसके लिए हमें हड्डियों की जांच करानी पड़ती है, उसको डेक्सा स्कैन बोला जाता है। मतलब डेक्सा स्कैन में हम लोग फिर उसमें बोन मिनरल डेंसिटी कंप्यूट करते हैं फीमोरल नेक पे या लंबर स्पाइन पे। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस को किस सरल भाषा में हम लोग जान सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं कितनी है, तो उसको हम डेक्सा स्कैन करते हैं। डेक्सा स्कैन एक ऐसी कंप्यूटराइज जांच होती है जिसमें आदमी खड़ा होता है और उसमें हड्डियों की डेंसिटी हमें पता चलती है, उसको बोन मिनरल डेंसिटी बोला जाता है। तो बोन मिनरल डेंसिटी को तीन या चार भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक है नॉर्मल इंडिविजुअल जिसमें बोन डेंसिटी माइनस वन के आसपास रहेगी, उससे ज़्यादा नीचे नहीं होगी नॉर्मल यंग इंडिविजुअल से, मतलब नॉर्मल जवान इंडिविजुअल से हम किसी एक आदमी की तुलना करेंगे। जब ये डेंसिटी माइनस वन से 2.5 के बीच में होती है, स्टैंडर्ड डिविएशन स्कोर जो हम निकालते हैं एक यंग इंडिविजुअल से, जैसे मैं आज अपने आप को कंपेयर करूंगा यंग इंडिविजुअल से, तो ये टी स्कोर कहलाएगा। जब ये टी स्कोर माइनस वन से 2.5 के बीच में आएगा तो इसको ऑस्टियोपीनिया बोला जाएगा। यही सरल भाषा में, जब ये मात्रा माइनस 2.5 के नीचे चली जाएगी तो उसको सरल भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस का नाम दे दिया जाता है। जितना मतलब एक जो टी स्कोर हमने कंपेयर करने की कोशिश करी गई एक इंडिविजुअल का, यंग इंडिविजुअल, उसका सेक्स और उसका रेस मिलाने के बाद, तो जो अपने पे परिभाषा मिलके आई कि माइनस 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद जो स्कोर आएगा उससे उसको ऑस्टियोपोरोसिस की परिभाषा में वो सफल बैठ जाएगा। इसी में एक और परिवर्तन अभी कर दिया गया, उसको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस कहने का मतलब है जब आदमी की बोन मिनरल डेंसिटी माइनस 2.5 के नीचे होती है, साथ में कोई और फ्रैक्चर उसको मिला होता है या फ्रैक्चर उसको हो रहा होता है, तो उस परिभाषा में पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस ना बोलते हो सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस बोल दिया जाता है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास दो तरह के सिस्टम उपलब्ध हैं, एक है टी स्कोर, एक है जेड स्कोर। टी स्कोर कहने का मतलब है जब आप किसी, जैसे एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक 50 साल के आदमी या औरत को आप जब कंपेयर करते हैं 20 या 25 साल के इंडिविजुअल से, तो उन दोनों के बीच में जो स्टैंडर्ड डिविएशन स्कोर आता है उसको टी स्कोर बोलते हैं। जेड स्कोर कहने का मतलब है जब आप 50 साल के इंडिविजुअल को 50 साल के इंडिविजुअल से ही कंपेयर करेंगे, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन स्कोर, वो जेड स्कोर कहलाएगा। अब टी स्कोर कब उपयोग करना है, जेड स्कोर कब उपयोग करना है, इसमें बड़ा ध्यान देने वाली बात है। टी स्कोर उसी समय यूज करना है जब आप प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण देखना चाहते हैं। जेड स्कोर तब यूज़ करना है जब आप सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कहने का मतलब है जब आप दवाइयों के रिएक्शन के कारण समझ रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस है, खून की कमी के कारण सोच रहे हैं, या कोई शरीर में इस तरह की बीमारी पड़ी हुई है, या मरीज ने इस तरह की दवाइयाँ खाई हुई हैं जैसे कि गैस की गोलियाँ हुई, स्टीरॉयड हुआ, या फिर कोई और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हुई, इस तरह की अगर दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण हड्डियाँ कमजोर हुई हैं तो उसको जेड स्कोर की परिभाषा में लिया जाएगा, ना कि टी स्कोर की। तो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए टी स्कोर, सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जेड स्कोर। अब हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं आपको प्रिवलेंस कितना है इस ऑस्टियोपोरोसिस का। लगभग 50 मिलियन भारतीय इस समय हड्डी की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनमें से 10 मिलियन ऐसे हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है और बाकी 40 मिलियन ऐसे हैं जिनको हड्डियाँ कमजोर हैं, जिनको ऑस्टियोपीनिया है। तो 10 मिलियन को ऑस्टियोपोरोसिस और बाकी लोगों को ऑस्टियोपीनिया। इनमें से भी 80% जो है वो औरतों में होती है और 20% आदमियों में होती है। एक और बात इसमें गौर करने वाली यह बात यह है कि जब हम वेस्टर्न कल्चर से या वेस्टर्न पॉपुलेशन से जब कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच में और हमारे बीच में तुलना में किसको जल्दी फ्रैक्चर होता है, तो हम लोग जो भारतीय हैं इन लोगों को
फ्रैक्चर होने की जो संभावना होती है वो 10 साल पहले आ जाती है कंपेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन। कहने का मतलब है अगर उनको फ्रैक्चर होने की रिस्क अगर 60 की उम्र में है तो हम लोग को फ्रैक्चर होने की जो लिमिट है वो 50 साल में या उससे और नीचे की किस्म पे आ सकती है। चलिए अब उस बारे में बात करते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं किसी भी हड्डी को कमजोर होने के लिए, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस का नाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ बीमारियां हैं जिसको एंडोक्राइन डिसऑर्डर बोला जाता है, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड जो होता है अपना बहुत एक्सेसिव काम करता है, हड्डियों को डीमिनरलाइजेशन मतलब हड्डियों को कमजोर कर देता है। दूसरी बीमारी जिसको हम देख सकते हैं वो है हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म कहने का मतलब है कि जो अपने सेक्स के स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो शरीर में कम हद तक बनना शुरू हो जाते हैं, उसके कारण क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है वो शरीर में ढंग से असर नहीं कर पाता है, उसके कारण हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें स्टेरॉयड हार्मोन इतना ज़्यादा बन जाता है कि वो अंदरूनी तरीके से हड्डियों को गलाना शुरू कर जाता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा बनने लगता है और हड्डियों को कमजोर करने की उसकी हड्डियों को वो कमजोर करता चला जाता है। इसके बाद कुछ पेट के मर्ज भी ऐसे होते हैं जो हड्डियों को कमजोर कर देते हैं, जैसे सीलिएक डिसीज मतलब वीट से एलर्जी होती है हमारे इंटेस्टाइन को, उसके कारण खारण अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, कैल्शियम का भी अब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है, उसके कारण हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। एक और है शॉर्ट बॉबल सिंड्रोम, मतलब किसी के अब्डोमिनल सर्जरी के बाद इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है, उस निकालने के बाद उसका अब्जॉर्प्शन जो होता है मिनरल्स का या फिर कैल्शियम का या फॉस्फोरस का बहुत हद तक कम हो जाता है, उसके कारण उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कुछ खून की बीमारियों के कारण जैसे कि मल्टीपल माइलोमा हुआ, कुछ मसल डिसऑर्डर हमारे पास ऐसे हैं जैसे न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुआ, मसल डिस्प्लेजिया हुआ, पैराप्लेजिया हुआ, इनके कारण भी हड्डियाँ कमजोर हो सकती हैं। कुछ दवाइयाँ जो बहुत हद तक ऑस्टियोपोरोसिस करा सकती हैं जैसे कि प्रोटोन पंप इनिबिटर, गैस की गोलियाँ जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं, पायोग्लिटाजोन जो एंटी डायबिटिक एजेंट है जिसको हम लोग लेते हैं, SGLT2 इनिबिटर, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी डिप्रेशन मतलब दिमाग से संबंधित जो बीमारियों के कारण हम दवाइयाँ लेते हैं वो भी काफ़ी हद तक ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकती हैं। कुछ चीज़ें जिसमें हम विशेष ध्यान देते हैं जिसके कम होने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, उसमें कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी और साथ में प्रोटीन का कम खाना। अगर आप प्रोटीन का नियमित रूप से खाना नहीं खाते हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी वाली बीमारी जल्दी आ सकती है, या कैल्शियम की कमी हुई या फिर विटामिन डी की कमी हुई, तो ये वो कारण है जो रिस्क फैक्टर हैं। इसके बाद तीन इस तरह के रिस्क फैक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा हम लोग को देख लेने चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग। एक स्मोकिंग ऐसी चीज़ है जो हड्डियों को बहुत हद तक कमज़ोर कर लेता है। अल्कोहल कंजप्शन एक्सेसिव अमाउंट में, अगर ज़्यादातर अमाउंट में आप अल्कोहल लेते हैं तो आपकी हड्डियाँ बहुत हद तक कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अब उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे अगर हमारे पास पहली बार कोई मरीज हमारे क्लिनिक पे आया तो हम कौन कौन से टेस्ट उसको बोलेंगे करवाने के लिए, जिससे पता चले कि ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं कितनी है। जैसे कि सबसे पहले है कंप्लीट ब्लड काउंट कितना है पेशेंट का, कैल्शियम करेक्टेड फॉर एल्बुमिन लेवल कितना चल रहा है, KFT क्या है, उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस एनालिसिस क्यों, क्योंकि हमें मल्टीपल माइलोमा हमेशा रूल आउट करना होता है। इसके साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि विटामिन डी का लेवल कितना है, फॉस्फोरस ALP का लेवल कितना है। अगर ये सब चीज़ें औसतन रूप में सही आ रही हैं तो मतलब कि उसका जो डायग्नोसिस है वो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ज़्यादा चला जाता है कंपेयर विद सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। दोस्तों जो सबसे अच्छी विधि है जिसके कारण हम ऑस्टियोपोरोसिस को समझ सकते हैं वो है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, जो कि हम डेक्सा स्कैन से करते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है ऑस्टियोपोरोसिस को पहचानने के लिए। हम BMD दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम फीमोरल नेक या तो कूल्हे की हड्डी से या रीढ़ की वर्टिबल हड्डी से L3 के आसपास का अगर एरिया देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो स्कोरिंग सिस्टम आता है, चाहे वो टी स्कोर हो या जेड स्कोर हो, आप जो भी चीज़ देखना चाह रहे हो उसके उपाय से हम लोग देख सकते हैं कि हम ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं कितनी है, उसका स्कोरिंग सिस्टम कितना है। एक बार आपने पहचान लिया कि मरीज को ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको तीन भागों का ध्यान हमेशा देना है। सबसे पहले कैल्शियम का एक अच्छा न्यूट्रिशन देना है, दूसरा विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा देना है, तीसरा जो लाभदायी थेरेपी हम लोगों के पास है जैसे बिसफॉस्फोनेट हुआ, कोई भी थेरेपी है तो वो सारी की सारी थेरेपी पेशेंट को समझानी है। तो अब हम अगले जो बात करने वाले हैं वो इन्हीं चीज़ों पर बात करने वाले हैं। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमें एक दिन में कितना लेना चाहिए, अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के हिसाब से, जो कैल्शियम इंटेक आपको लेना है अगर 50 से 70 साल के बीच में है तो लगभग 800 से 1000 मिलीग्राम कैल्शियम आपको डेली लेना है।
अगर आपकी उम्र 70 के ऊपर निकल जाती है तो आपका जो कैल्शियम इंटेक लेने का जो डोज है वो 1200 मिलीग्राम तक पहुंच जाता है। तो अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कैल्शियम के नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे कि हम लोग अगर दूध की बात करें कि काऊ का मिल्क जो है गाय का और भैंस के मिल्क में क्या डिफरेंस है। जो गाय का दूध है वो पर 100 ml 120 मिलीग्राम कैल्शियम कंटेन करता है। तो अगर एक गिलास अगर आप किसी को दूध पिलाना चाहते हैं जो 300 ml का गिलास है, तो लगभग आप उसको जो सप्लाई देंगे वो 360 ग्राम के देंगे। उसी तरीके जो जैसे भैंस का दूध है, भैंस के दूध में जो क्वांटिटी है वो है 210 मिलीग्राम पर 100 ml। तो अगर आप किसी को एक गिलास दूध पिलाते हैं तो उसका ये कहने का मतलब है आप उसको 630 मिलीग्राम एक दिन में कैल्शियम सप्लाई करें। अगर वो सुबह शाम पी लेगा तो उसकी भरपूर पाई, मतलब उसमें टोटल कैल्शियम जितना आपको देना चाहिए था आपने उतना उसको सप्लाई कर देंगे। अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक दिन में कितना विटामिन डी हम लोग को लेना चाहिए, तो वो 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे का है। अब हम बात करते हैं उन थेरेपी की जिसकी उपाय से हम ऑस्टियोपोरोसिस का कुछ हद तक इलाज कर सकते हैं। उसमें सबसे ऊपर जो थेरेपी आती है उसको बिसफॉस्फोनेट सॉल्ट बोलते हैं। बिसफॉस्फोनेट वो सॉल्ट है जो हड्डियों की गलन या डेंसिटी कम होने वाली चीज़ों को रोक के रखते हैं, साथ में हड्डियों को मजबूत करने की क्रिया में मदद करते हैं। इसमें अगली जो थेरेपी हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो है हार्मोनल रिप्लेसमेंट या ईस्ट्रोजन बेस्ड थेरेपी, जो कि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में हम लोग यूज़ करते हैं। अलग अलग तरीके से और भी थेरेपी हैं, जैसे रिकॉम्बिनेट पीटीएच हार्मोन का रिकॉम्बिनेट फॉर्मुलेशन जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं, और साथ में डेनोसुमैब भी। हम लोग डेनोसुमैब एक रैंकल रिसेप्टर एंटीबॉडीज है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं आज के समय में ऑस्टियोपोरोसिस में। तो ये मोटी मोटी विधि हुई जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं। बिसफॉस्फोनेट यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर बिसफॉस्फोनेट यूज़ करने से पहले तीन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक तो जिस दिन लेंगे उस दिन खाली पेट लेंगे, 200 ml पानी के साथ लेंगे, और आधे घंटे तक कहीं आपको लेटना नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप करते हैं बिसफॉस्फोनेट देने से पहले, और दो या तीन चार चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि शरीर के अंदर नॉर्मल कैल्शियम फॉस्फोरस ALP हो, किडनी नॉर्मल तरीके से काम कर रही हो, साथ में हार्ट की जो गति है मतलब आपके जो दिल की रफ्तार है वो नॉर्मल हो। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि बिसफॉस्फोनेट थेरेपी के बाद कार्डिक की जो रिदम होती है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप एम्प्टी स्टमक नहीं रहते हैं या फिर आप जल्दी लेट जाते हैं तो गले के अंदर छाले बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपका किडनी अगर ठीक नहीं चल रहा है तो ऑस्टियोनेक्रोसिस, मतलब जो आपका जबड़ा होता है उसमें थोड़ी सी सूजन या उस पर थोड़ा सा नेक्रोसिस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। मगर दोस्तों एक बात का स्पेशल ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ का इलाज करने से ज़्यादा अच्छा है कि उसका बचाव किया जाए। तो बचाव करने के लिए बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं, जैसे अपनी लाइफ स्टाइल को एक्टिव रखें, खेलें कूदें, जितना आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जितना आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जितना आप जॉगिंग कर सकते हैं। दूसरा, प्रोटीन का सेवन बहुत अच्छे ढंग से लें, जितना प्रोटीन आपके रिकमेंडेशन डाइट के हिसाब से उतना लीजिए, साथ में कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी उसी हिसाब से लें, और साथ में दुष्ट चीज़ों का प्रभाव थोड़ा कम करें, जैसे कि स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल हुआ। अगर इन चीज़ों से आप बच के रहते हैं और कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसको लेते हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना काफ़ी ख़त्म हो जाती है। नमस्कार।